दिस इज डोंकी, वैसे वो तमाम सारे डोंकी देख रहे हैं यार। जाना चढ़ जा उस पे, जा 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 जा, वाह चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो बन सके हैं, वेलकम टू न्यू ब्लॉग ऑफ आर के सालवी ऑफिशियल। यार तो इस वक्त अभी हम एली की तरफ जा रहे हैं, तो सोचा कि आज एक ब्लॉग फिर से बना लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी अर्से हमारा ब्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आज हम सोचा कि चले एक और कवर करते हैं। तो इस वक्त अभी मैं घर से निकला हूँ, ठीक है यार, तो बाइक हमने इधर छोड़ दी है, तो अभी हम इधर से बाइक पकड़ेंगे अपना, ठीक है, फिर जाके शराफत को रिसीव कर लेंगे वहाँ से। सो आई जस्ट यार, तो इस वक्त सोचा कि चले अभी शराफत को हमने रिसीव करना है दूसरे बाइक पर जाके, ठीक है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा एली की सैर कराएंगे। मैं खुद एली पहले छोटे वक्त में गया था, अभी कभी नहीं गया, तो बैकअप में आप गांव देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा बैकअप आपको दिख रहा है। तो चलो अभी आप आज ट्रिप के साथी के हिसाब से मिलाता हूँ, ठीक है, पहला मुंतज़िर अकबर से आपको मिलाते हैं, चले मुंतज़िर, ठीक है, और ये अकबर, क्या हाल चाल, ठीक है, कुछ तो बोले यार दोनों। तो मुंतज़िर ठीक है, बड़ा एक्सपर्ट और अकबर भी साथ में, अभी टाइम रेडी है, मुंतज़िर अकबर आ गए, हम थोड़ा शराफत की तरफ जा रहे हैं उसको लेने, ठीक है, इसको रिसीव करते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़ सब तक। शराफत भाई इस टाइम इधर, ठीक है, हाँ शराफत भाई, क्या हाल चाल, ठीक हो, और आपको रिसीव करने के लिए हम इधर आए हैं। तो इस टाइम अभी हमने 400 का पेट्रोल लगाया, ठीक है, जिले के लिए, देखते हैं कि ये अभी 400 के पेट्रोल में आता है नहीं आता। तो अभी हमने पेट्रोल वगैरह भर ली, ठीक है, 400 रुपये का पेट्रोल लगाया अपने बाइक में हिली चलने के लिए, कपलों से हिली के लिए 400 का बाइक में पेट्रोल लगाया, तो देखते हैं यार कि 400 की पेट्रोल में हिली पहुँच के वापस आ सकते हैं या नहीं, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है हमारा भी, ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी वाकई शराफत भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा मुश्किल है रिजवान भाई 400 में पहुँचना, क्यों यार, अभी थोड़ा महंगाई हो गया तो हम समझ सकते हैं, लेकिन देखते हैं यार अभी 400 में क्या बनता है। हम कोशिश तो करेंगे रिजवान में, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हम 400 में पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है इधर से। अच्छा चलो यार, नज़ारा देखते हैं ना कितना किलोमीटर लगता है, ठीक है, फिर आपको आगे बात करते हैं। इधर से दो रास्ते हैं, ठीक है, अभी ये वाला जो रास्ता जाता है, ठीक है, ये अपलू व्यू पॉइंट की तरफ जाता है, और अभी हमने इस तरफ से जाना है जो कि इली वाली साइड से जाता है। तो अभी हम ये जो पीछे वाले जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा हंजूर कहलाता है, जो जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है तकरीबन 2 साल पहले। बाकी अभी हमने इली जाना है, तो चलो इली की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इस वक्त तमाम सारे अभी फ्रेश हैं, ठीक है, काफ़ी एन्जॉय में बैठे हुए हैं, तो हाँ चलो यार गाइस निकलते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और इस तरह शराफत भाई बाइक रेडी करते हैं, मैं
गाइस इस वक्त अभी हम अंजोर ब्रुक पहुँचे गए तो इस वक्त अभी हम अंजोर ब्रुक तो गाइस इस वक्त अभी हम अंजोर ब्रुक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको पीछे का काफ़ी प्यारा नज़ारा दिख रहा होगा, जो कि यार हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, जो कि अभी अंजोर ब्रुक से आके जाती है इली, ठीक है। जो हमारा सफ़र इली तक है तो आप लोगों को काफ़ी वो भी दिखाना है मैंने काफ़ी। हम इस टाइम रोड पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा नज़ारे निकाल रहा हूँ और जो कि देख लो यार कितना प्यारा नज़ारा है अंजोर ब्रुक का। लास्ट टाइम जब मैं 2 साल पहले आया था तो इतना प्यारा नज़र नहीं आया क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आए थे अंजोर ब्रुक पे, और इस टाइम तो आप देख रहे हो काफ़ी नीचे। इधर से खपलू से अगर आपने अंजोर आना है तो तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है, और अंजोर से एली की तरफ 30 मिनट लगते हैं, तो इस टाइम एली तक पहुँचने तक 1 घंटा लग जाएगा आपको। और लोगों ने काफ़ी इधर गढ़ वगैरह बना के रखे हैं, ठीक है, इस तरह के आपको छोटे छोटे घर नज़र आएंगे, छोटे छोटे, ठीक है, जो कि सीज़न में लोग इधर होते हैं, तो सीन्स काफ़ी प्यारे हैं यहाँ, ठीक है, इन्जॉय करो।